expression. Now, the fourth part of this question number 5 is that 8x cube minus 125y cube minus 16x square y plus 150xy square. Just take the whole cube 2x3 minus 3 into 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3 2x डॉट 5y होल स्क्वायर माइनस 5y. हियर द डॉट मीन मल्टीप्लाई, इट्स नॉट मीन डेसिमल. ऑल राइट, एंड द हाउ टू क्लोज दिस फॉर्मूला, जस्ट टेक दोज टर्म्स विदाउट क्यूब विच हैज द क्यूब पावर 2x एंड 5y. ठीक है, एंड देन close it by the whole cube. So this is the closest form of this formula and the factorized form of this expression. Now the question number 6 is that 27, the first part of this is that 27 plus 8x cube we can write as 3 ka square plus 2x ka cube. Okay, now the formula is that 3 plus 2x into first term ka square and then both first and second term with minus sign 3 dot 2x and the third second term ka square. All right, then again here we can isko simplify kaise karenge. 3 plus 2x 9 aa jayega 3 ke ek jagah pe, 6x aa jayega yahan par, 4x aa jayega. Now in the second part 125x cube minus 216y cube we can take it as 5x ka whole cube minus 6 ka y ka whole cube. 5x minus 6x aapne cube khatam kar dena, 5x minus 6x ka ab andar bracket mein first term ka square second term ka bhi square and with first and second term product form mein. Aur isko jab hum log karoge aap iska simplification tree ban jayega 25x ke plus 36xy प्लस 336y स्क्वायर. ठीक है, नाउ दिस इज अ वे टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. नाउ द थर्ड पार्ट इज दैट 64x क्यूब माइनस प्लस 27y क्यूब वी कैन टेक इट एज 4x क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब. 4x स्क्वायर प्लस 3y इसमें ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म वैसे ही आ गई, सेकंड टर्म भी स्क्वायर के साथ, और इन दोनों टर्म्स का सेकंड और फर्स्ट का आपस में प्रोडक्ट यानी 16x स्क्वायर माइनस 12xy और 9y स्क्वायर. ऑलराइट, नाउ द पार्ट नंबर 4 व्हिच इज दैट 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब. इन दिस क्वेश्चन वी आल्सो वांट टू बी यूज अ क्यूब फार्मूला 2x क्यूब प्लस 5y क्यूब. यानी 2x प्लस 5y का कॉमन आएगा और x स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर एंड फर्स्ट एंड सेकंड टर्म आपस में प्रोडक्ट में. ठीक है, तो 2x प्लस 5 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन गया 4x स्क्वायर. जब ये दोनों प्रोडक्ट में लिखेंगे तो 2 5 से 10 xy एंड द लास्ट टर्म का स्क्वायर बनेगा 25y स्क्वायर. सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द 5.2 आल्सो एज वेल. सो आज आपकी 5.2 कंप्लीट हो चुकी है ये, और जो आज हमने पढ़ा है अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपका माइक जो है वो अनम्यूट कर रहा हूँ. तो इफ देयर एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, आई एम अवेलेबल टू यू. और इसके अलावा मैं आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ.